Hey guys, Professor Nidhi Trivedi here and today we are going to see Euler's equation of motion. But इससे पहले अगर आपने मेरा last video ना देखा हो, force acting on a fluid in motion condition, यानी कि बच्चों जब कोई fluid है वो motion में है तब उस पर कौन से force लग रहे हैं, तो वो देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको समझ में आएगा कि यहाँ मैंने pressure और gravity दो ही force लिए हैं, वो क्यों है, तो उसको देखने के लिए पहले आपको वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो जाके देख ले और चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और हाँ, याद रखें ये काफी पूछा जाता है आपकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, हमने अच्छे से करना है, पूरे मार्क लेने। चलो यहां मैंने क्या किया बच्चों, मैंने यहां एक सिलिंड्रिकल फ्लूड एलिमेंट कंसीडर किया है और ये जो एलिमेंट की ये जो फ्लूड फ्लो कर रहा है वो एस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। किस डायरेक्शन में? एस डायरेक्शन में, कुछ ऐसे। समझ में आ रहा है बच्चों? मैंने यहां क्या किया है, एक सिलिंड्रिकल फ्लूड एलिमेंट कंसिडर किया है। अभी ध्यान से देखना है, मैं आपको अच्छे से ये फिगर कैसे ड्रॉ किए और क्या है ये पूरा मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ, ध्यान से देखें। पहले मैं ये आपको समझा देती हूँ कि ये कैसे है। मैंने यहाँ कुछ ऐसे सिलिंड्रिकल फ्लूड एलिमेंट ड्रॉ किया है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ये? और जो ये जो फ्लूड एलिमेंट है उसकी जो लेंथ है, उसकी जो क्या है लेंथ है, वो ds है। क्या है? ds, स्मॉल लेंथ, यानी उसकी लेंथ है ds। और ये जो एरिया है वो है da, ये बोथ साइड एरिया क्या है बच्चों? da है। अभी इस साइड के जो डायरेक्शन, ये इसकी सेंटर लाइन है, समझ में आ रहा है? ये इसकी सेंटर लाइन है और यहां जो फोर्स लग रहा है वो p है। क्या है बच्चों? p है। और ये जो फोर्स लग रहा है इसके ऑपोजिट में, ये जो डायरेक्शन में लग रहा है वो कितना है? तो यहां पे तो p था ही, यहां पे तो p था ही प्रेशर, बट जब यही फ्लूड एलिमेंट ds जितना ट्रैवल करके, कितना ट्रैवल करके? ds जितना ट्रैवल करके यहां वाला फ्लूड जब यहां पे गया तब कुछ चेंज आया होगा, यानी कि p तो था, जब उसने क्या किया ds जितना ट्रैवल किया तब चेंज आया, व्हिच इज अ डेल p बाय डेल s इनटू ds, और एरिया ना भूले da। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? और वहां ही मैंने यहां क्या कंसीडर किया है, मैंने कंसीडर किया है वेट। फ्लूड का कुछ अपना वेट होगा बच्चों, वेट ऑफ फ्लूड। अभी ये सारा क्यों ड्रॉ किया मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एक्चुअल में ये फिगर कुछ ऐसे है, पहले आपको करना है ये सिलिंड्रिकल एलिमेंट ड्रॉ, समझ में आ रहा है? फिर करनी है ये सेंटर लाइन जो ड्रॉ की है, ये एस डायरेक्शन में कुछ फ्लो हो रहा है, फिर यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, ये जो लेंथ है बच्चों मैं ड्रॉ करके आपको दिखा रही हूँ, ध्यान से देखें, ये इसकी लेंथ है ds, ये जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है ये क्या है? p इंटू da। अभी p इंटू da क्या है मैडम? तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? प्रेशर फोर्स इंटू, प्रेशर फोर्स इक्वल टू क्या होता है? प्रेशर इंटू एरिया, यानी ये प्रेशर और एरिया इसका, ये जो है, ये जो एरिया है वो है da। समझ में आ रहा है बच्चों? और वैसे ही यहाँ पे हमने लेना है, यहाँ जो प्रेशर है वो कितना होगा? ये पी तो था, यहां से आया तो पी तो था ही, बट जब उसने क्या किया बच्चों? ds जितना ट्रैवल किया, यानी कि डेल पी बाय डेल एस इंटू ds, ये तो पूरा प्रेशर ही हुआ, सिर्फ प्रेशर हुआ। फिर करना है एरिया, यानी कि हमें मिल चुका है ये प्रेशर, हमें समझ रहे हो, ये प्रेशर फोर्स हमें मिल चुका है। अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ वेट ऑफ फ्लूड एलिमेंट होगा, यहाँ से कुछ जो नीचे एक्ट करेगा, ये जो नीचे एक्ट करेगा, और वो कितना होगा? मास इंटू ग्रेविटी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अभी ये सारा क्या है, आप बोलोगे मैडम ये ट्रायंगल ये सारे क्यों? मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, फिगर कुछ ऐसे है। मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए अच्छे से ये ट्रायंगल ऐसा क्यों बना है, इसके लिए मैंने यहाँ डॉटेड लाइन्स आपको दिखाया, ये है एक्चुअल में ऐसे कुछ आपकी बुक में यहाँ तक ही है। फिर क्या करना है बच्चों, इसको ऐसे, यानी ये लाइन ऐसे होगी और ये ऐसे होगी, यानी ये एंगल थीटा बना रहा है, ये जो लेंथ, ये जो है पूरा डायगोनल, ये जो है पूरा, ये है ds, और ये जो है मैंने लिया है यहाँ से, यानी ये जो एक्ट कर रहा है सेंटर लाइन पे यहाँ से, यानी कि, और यहाँ से जो ये वेट फोर्स एक्ट कर रहा है यहाँ पे, यानी कि दोनों का जो डिस्टेंस है मैंने लिया है dz। क्या लिया बच्चों? dz। समझ में आ रहा है? ये है dz, ये है ds, और वही मैंने अलग से दिखाया आपको कि ये है dz और ये है ds, और ये एंगल बना रहा है थीटा, क्योंकि आगे जाके हमें क्या लेना होगा, ये जो वेट ऑफ पार्टिकल जो एक्ट कर रहा है वो कौन से डायरेक्शन, यानी ये इसके साथ जो फ्लूड एलिमेंट है उसका cos थीटा लेंगे, क्योंकि ये पास वाला है। क्या है? पास वाला, यानी कि ये जो डायरेक्शन हमें लेनी होगी जब वेट ऑफ पार्टिकल की, वो होगी हमारी cos थीटा वाली साइड। क्या होगी? cos थीटा, वो तो आगे देखें, पर ये समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? हमने क्या किया, मैंने आपको दिखाया पूरा,
मैं इसको मिटा देती हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो कुछ इसमें घबराने वाली बात नहीं है। क्या किया है हमने यहाँ पे, हमने एक सिलेंड्रिकल फ्लूड एलिमेंट लिया है जिसका दोनों साइड एरिया स्मॉल डी ए है, यहाँ पे प्रेशर पी है। जब यही फ्लूड एलिमेंट यहाँ पे प्रेशर पी लगा रहा था, वही फ्लूड एलिमेंट जब डी एस जितना ट्रैवल करके यहाँ पे पहुंचा, तब उसका प्रेशर तो पी जितना तो पहले से था ही। फिर क्या हुआ, वहां ट्रैवल करने के बाद उसके प्रेशर में कुछ चेंज आया, विच इज अ डेल पी बाय डेल एस इनटू डी एस। और एरिया रखना ना भूले, ये जो है हमने डीजेड जितनी ये बताई डेप्थ, ये इसको अच्छे से दिखाया कि वेट ऑफ फ्लूड पार्टिकल जो नीचे एक्ट कर रहा होगा ड्यू टू ग्रेविटी, समझ में आ रहा है, ये नीचे कुछ ऐसे ये डीएस, और वही मैंने यहां अच्छे से आपको दिखाया। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, कुछ नहीं। चलो अभी जल्दी से स्टार्ट कर दे। मैंने आपको बोला कि हम यहां पे दो ही प्रेशर कंसीडर करने वाले, विच इज अ प्रेशर फोर्स एंड ग्रेविटी फोर्स। इसके लिए आपको देखना है मेरा फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ फ्लूड इन मोशन कंडीशन, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि क्योंकि हमने यहाँ क्यों दो ही सिर्फ फोर्स लिए। तो जाके जल्दी से देख लीजिए। अभी हमने करना है कुछ नहीं करना, हमने करने है सारे फोर्स जो भी इस पे लग रहे हैं वो काउंट करने। तो पहला लेंगे हम फोर्स ड्यू टू प्रेशर, इसमें दो साइड हो गए। ये वाला जो प्रेशर अभी हम इस साइड ले रहे हैं, विच इज इन डायरेक्शन, यहां लिखना ना भूले, विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। वो कितना होगा बच्चों, अभी ही मैंने बोला प्रेशर फोर्स कितना होगा, प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया यानी पी इंटू डी ए, पी इंटू डी ए। वैसे ही हमने क्या लेना, इस साइड, इस साइड विच इज अ, अभी ये क्या है बच्चों, इट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, यानी ये क्या हो जाएगा, इसका पी तो यहाँ पे था, जब वही फ्लूड यहाँ पहुंचा यानी कि यहाँ डी एस जितना ट्रैवल करके पहुंचा, तब उसमें क्या था, पी प्लस डेल पी बाय डेल एस इंटू डी एस, और एरिया रखना ना भूले यानी डी ए। समझ में आ रहा है, ये हमने क्या किया, दोनों का प्रेशर फाइंड किया। अभी तीसरा क्या बचा, वेट ऑफ फ्लूड एलिमेंट, क्या बचा, वेट ऑफ फ्लूड एलिमेंट यानी वेट इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी होगा, यानी मास इक्वल टू क्या, इसके लिए हमें हमारे पास इक्वेशन है, रो मास डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास को बनाया करता यानी हो जाएगा रो इंटू वी, वी विच इज अ वॉल्यूम, तो रो एज इट इज वॉल्यूम क्या होगा, डी ए इंटू डी एस, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, वही मैंने किया, यहां रख दीजिए एम की जगह क्या रखेंगे हम, रो डी ए डी एस, और जी तो ऑलरेडी है, वही मैंने यहाँ लिखा है रो जी डी ए डी एस। तो समझ में आया आपको क्या है। अभी हमने क्या करना है बच्चों, हमें पता है न्यूटन सेकेंड लॉ, सिग्मा एफ इक्वल टू एम ए, हमें पता है यही। तो हमने क्या करना है, जितने भी नेट फोर्स है उसका करना है हमें समेशन, विच इज इक्वल टू क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन इन एस डायरेक्शन, क्योंकि हमारी यहाँ क्या है, फ्लो की डायरेक्शन है एस। समझ में आ रहा है। अभी क्या करें, चलो करो सबका करें समेशन, यानी कि इस साइड ये है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ये जो प्रेशर लग रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो यानी वो पॉजिटिव पी इंटू डी ए, पर ये जो लग रहा है वो है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन यानी माइनस, और ब्रैकेट में पूरा लिखे पी प्लस डेल पी बाय डेल एस इंटू डी एस, और डी ए लिखना ना भूले। अभी हमने क्या करना है, तीसरा हमारा है वेट ऑफ फ्लूड एलिमेंट, क्या है ये, जो मैंने आपको पहले बोला था, हमने फाइंड किया था डब्ल्यू इक्वल टू एम जी करके, और मैंने बोला था कि हमें क्या जरूरत पड़ेगी, डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, और ये क्या होगा, इसका एंगल कॉस थीटा होगा, क्या होगा बच्चों, ये कॉस थीटा, यहां फाइंड करें कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये एडजेसेंट साइड विच इज अ डी जेड, और ये हमारी वाली साइड यानी डी एस। समझ में आ रहा है, फिलहाल हम क्या रखेंगे, सिर्फ कॉस थीटा लिख देंगे, इसकी डायरेक्शन कॉस थीटा इक्वल टू मास, फिर से यहां देखें, फिर यहाँ गलती नहीं करनी, फिर से हमारे पास मास आया, यानी मास जब जब आए तो हमारे पास मास डेंसिटी का इक्वेशन है रो इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास डेंसिटी इक्वल टू फिर से बनाए मास को करता यानी हो जाएगा रो इंटू वी, वी विच इज अ वॉल्यूम, रो यानी वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ विच इज अ डी ए डी एस यानी रो डी ए डी एस इंटू ए एस ना लिखना भूले, ये क्या है एक्सिलरेशन इन एस डायरेक्शन यानी मैंने इसको डिनोट किया है ए एस से, क्या किया है ए एस से। अभी क्या करना है बच्चों, इसको निकाले, इसको ब्रैकेट को खोल दे, यानी कि ये हो जाएगा माइनस पी डी ए, माइनस पी डी ए यानी ये प्लस पी डी ए और माइनस पी डी ए विल कैंसल, यानी बचेगा सिर्फ माइनस डेल पी बाय डेल एस, क्या फिर से ये माइनस लिखना ना भूले, माइनस डेल पी बाय डेल एस डी एस डी ए, समझ में आ रहा है, बाकी सब एज इट इज, बाकी सब एज इट इज। मैंने क्या किया, सिर्फ ये ब्रैकेट ओपन किया और ये सब क्लियर कर दिया। अभी हमने क्या करना है, मुझे ये पूरे इक्वेशन में क्या दिख रहा है भाई, मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पे सब पे ये क्या है, रो
रो यहाँ पे भी है, डीए डीएस यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो मैं ऐसा कर सकती हूँ कि दोनों साइड में रो डीए डीएस को क्या कर दो, कॉमन निकालो, क्या कर दो, कॉमन निकालो, सबको डिवाइड कर दो इससे, यानी यहाँ पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हमने क्या डिवाइड करना है, किससे, रो डीए डीएस से। तो अगर यहाँ पे करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे तो ध्यान से देखें, डीए डीएस तो चला जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, नीचे रो बचेगा, यानी कि वन अपॉन रो। और मैंने क्या किया, इसको ले दिया, ले लिया ब्रैकेट में, माइनस डेल पी बाय डेल एस को ले लिया ब्रैकेट में, समझ में आ रहा है। फिर क्या होगा, माइनस क्या होगा, माइनस, और यहाँ पे करे तो रो चला जाएगा, डीए चला जाएगा डीएस, यानी बचेगा जी कॉस थीटा, क्या बचेगा, जी कॉस थीटा। और इस साइड भी रो डीए डीएस चला जाएगा, यानी बचेगा सिर्फ ए एस, क्या बचेगा, एस। अभी मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, अभी क्या करा, ये जो दोनों साइड माइनस है, इसको मैं ऐसा करूं, इस साइड ले आओ, राइट हैंड साइड ले आओ, यानी ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट। तो मैंने कुछ नहीं किया, इसको इस साइड ले आई, यानी वन अपॉन रो डेल पी बाय डेल एस प्लस जी कॉस थीटा प्लस ए एस इक्वल टू जीरो, जीरो लिखना ना भूले, बोल दीजिए, वन अपॉन रो डेल पी बाय डेल एस प्लस जी कॉस थीटा प्लस ए एस इक्वल टू जीरो। और हम क्या कर सकते हैं बच्चों, ये कॉस थीटा उसकी वैल्यू लिख दे, यानी कि आगे इजी हो जाए, यानी कॉस थीटा क्या होगा, हमने आगे ऐसे कुछ लिखा था, वेट ऑफ फ्लूड एलिमेंट जो ऐसे एक्ट कर रहा था, ये थी डी जेड और ये था डी एस। इसमें कॉस थीटा क्या होगा बच्चों, कॉस थीटा इक्वल टू होगा एडजेक्शन बाय हाइपोटेन्यूस, यानी डी जेड बाय डी एस। तो क्या हमने कुछ नहीं किया, ये पूरे इक्वेशन में सिर्फ कॉस थीटा की वैल्यू लिख दी, यानी कि वन अपॉन रो डेल पी बाय डेल एस प्लस जी इन टू कॉस थीटा लिखा हमने डी जेड बाय डी एस। एस एस इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन इन एस डायरेक्शन, हमारा फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है बच्चों, एस डायरेक्शन में हो रहा है, यानी एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो, इसे बोल दीजिए अब इक्वेशन नंबर वन। अभी हमने क्या करना है, ये तो सब मिल चुका है बच्चों, इस इक्वेशन में जो हमें अभी तक नहीं मिला वो है ये एक्सेलरेशन, तो इसको करते हैं फाइंड। एक्सेलरेशन इक्वल टू, ये बोल सकते हैं हम डीवी बाई डी टी, वेलोसिटी अपॉन टाइम, समझ रहे हो, ये डीवी बाई डी टी। बट ये जो बच्चों वेलोसिटी है, ये किसका फंक्शन है, तो यहां पर ये जो वेलोसिटी है बच्चों, वो स्पेस एंड टाइम का फंक्शन है, किसका, स्पेस एंड टाइम का फंक्शन, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं दैट वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम, ऐसे एस ऑफ टी। अभी आपको क्या याद करना है बच्चों, आपने अभी 12th में पढ़ा है चेन रूल, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं आपको याद दिला देती हूं कि समझो ऐसे होगा कुछ। चेन रूल में क्या था, अगर समझो कोई जेड है जो फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स ऑफ टी एंड वाई ऑफ टी का कोई फंक्शन है, तो अगर मुझे इसका चेन रूल लिखना हो तो क्या होगा बच्चों, दैट डी जेड बाई डी टी, डी जेड बाई डी टी इक्वल टू डेल जेड बाई डेल एक्स और इन टू क्या होगा इसका फिर से डेरिवेटिव, यानी डी एक्स बाई डी टी प्लस फिर से डेल जेड बाय, अब वाई के लिए डेल जेड बाय डेल वाई प्लस डी वाई बाय डी टी। अगर आपको ऐसे भी याद नहीं रह रहा इसका फंडा, तो मैं आपको बोलती हूँ कैसे लिखना, इसका ट्रिक थोड़ा समझा देती हूँ कि अभी हमने क्या करना, अगर ऐसा पूछा जाए तो क्या करना ही है। अब ध्यान से देखें, अभी क्या करना, हम जुगाड़ सिखा रही हूँ मैं आपको, डी जेड बाई डी टी लिख दे, लिख दिया, लिख दिया ना। अभी क्या है, ये जो z a x और y का फंक्शन है, तो कर दे आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव, विच इज क्या होगा डेल z बाय डेल x। एक बार यहाँ ये लिख दे x के डेरिवेटिव, फिर थोड़ा थोड़ी जगह छोड़ के यहाँ लिख दे डेल z बाय डेल y, लिख दिया, लिख दिया। अभी क्या करना है, ये इसका जिसका फंक्शन है, यहाँ लिखा है हमने नीचे x है हमारा, तो इसका करे पूरा डेरिवेटिव dx by dt, और यहाँ डेल y है यानी लिख दे dy by dt। और भी मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ वो जुगाड़, यानी आपको याद रह जाए, हमने मार्क नहीं गंवाने, हम हैं इंजीनियर, हमें मार्क कभी भी नहीं गंवाने। तो हमें क्या करना है, देखो वो मैं जो मैंने वहाँ आपको दिखा वही मैं यहाँ करने वाली हूँ। ये है वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। अभी हम फाइंड कर रहे हैं एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन इक्वल टू होगा डी वी बाई डी टी। अभी मैंने क्या बोला था जुगाड़ करने के लिए, और ये जो वी है बच्चों, ये जो वी है वो किसका फंक्शन है, इट इज अ फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। तो अभी हमने क्या करना है बच्चों, ये v का एक बार s के साथ और एक बार t के साथ, यानी क्या लिखे बच्चों, ऐसे लिखना है dv by dt, एक बार ये लिख देना है, वो तो मैंने उधर भी लिखा था। अभी क्या करना है, एक बार s का कर दे t के साथ, यानी हो जाएगा सॉरी v का कर दे एक बार s के साथ, क्योंकि इसका फंक्शन यानी डेल v बाई डेल s, थोड़ी जगह छोड़ दे, और दूसरा कौन सा फंक्शन है t, यानी कर दे डेल v बाय डेल t, समझ में आ रहा है डेल वी बाई डेल टी। अभी क्या करना है, यहाँ जो नीचे उसका फिर से डेरिवेटिव, यानी इसको ऐसे लिखना है डी एस बाय
डीटी, और ये जो है इसका तो फिर से डीटी का विथ रिस्पेक्ट टू डीटी। समझ में आ रहा है? अगर नहीं आया तो फिर से थोड़ा आप आगे कर दे वीडियो और देख ले। ओके, तो वही देखो जो मैंने आपको यहां दिखाया, उधर हमने लिखा था वैसा ही देखो यहां पे सेम लिखा है। क्या किया पहले हमने, क्या किया इसका डेल वी का डेल वी बाय डेल एस एस के साथ कर दिया। फिर क्या करना, इसका ही फिर से करना डीएस बाय डीटी। फिर हमने क्या करना, एस का पूरा हो चुका, अभी टी की बारी यानी डेल वी बाय डेल टी, और फिर से टी का फिर से रिस्पेक्ट में टी यानी डीटी बाय डीटी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है? ये कौन सा रूल है? चेन रूल है। क्या है बच्चों? चेन रूल। अभी हमने क्या दिख रहा है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यानी अभी इक्वेशन क्या बचेगा, ए एस इक्वल टू डेल वी बाय डेल एस इंटू डी एस बाय डीटी प्लस डेल वी बाय डेल टी। समझ में आ रहा है? समझ, इतना इक्वेशन हो चुका है। अभी हमें ये पता है कि अगर फ्लो स्टेडी हो, क्या हो, फ्लो स्टेडी हो यानी कि क्या होगा, उसमें जो प्रेशर है, वेलोसिटी है और जो भी डेंसिटी, वो क्या रहेगी, थ्रू आउट कॉन्स्टेंट। क्या रहेगी? थ्रू आउट कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर मैं कंसिडर कर रही हूँ कि ये वाला फ्लो मेरा स्टेडी है यानी ये हो जाएगा कॉन्स्टेंट यानी कि जीरो, यानी कि ये अगर फ्लो स्टेडी हो तो ये जीरो हो जाएगा, तो इसमें रख दीजिए जीरो। तो ये इक्वेशन क्या बन जाता है, देखो ए एस इक्वल टू डेल वी बाय डेल एस, क्या है, डेल वी बाय डेल एस इंटू डी एस बाई डी टी। समझ में आ रहा है? अभी ये इक्वेशन सिर्फ इतना ही हो चुका है। अभी फर्दर ये क्या है, डी एस बाई डी टी यानी ये क्या है, ये स्पेस एक वन काइंड ऑफ डिस्टेंस यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम विच इज नथिंग बट द वेलोसिटी। क्या है बच्चों? वेलोसिटी, यानी डी एस बाई डी टी की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, वेलोसिटी वी। समझ में आ रहा है? मैंने क्या किया, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी ए एस इक्वल टू अब क्या बन चुका है, डेल वी बाई डेल एस इंटू वी, और यू कैन से वी इंटू डेल वी बाई डेल एस, इसे बोल दीजिए इक्वेशन नंबर टू। अभी हमने क्या करना है, हमने जो इक्वेशन वन में अभी सिर्फ क्या किया, ए एस की वैल्यू फाइंड की, अभी ये जो वैल्यू मिली है इसको रख दीजिए इक्वेशन नंबर वन में। चलो रख दीजिए, यानी ये सब तो सेम, वन अपॉन रो डेल पी बाय डेल एस प्लस जी डी जेड बाय डी एस, इट इज सेम। अभी ए एस की वैल्यू लिख दीजिए यहाँ, वी प्लस डेल वी बाय डेल एस इक्वल टू जीरो, जीरो लिखना ना भूले। अभी मुझे यहाँ क्या दिख रहा है, जल्दी से देखे, यहाँ मुझे दिख रहा है कि ये जो प्रेशर है, ये जो जेड है डेटम लाइन और वेलोसिटी है, ये सारे किसके फंक्शन दिख रहे, फंक्शन ऑफ एस ओनली। क्या है? फंक्शन ऑफ एस ओनली। और ये सारे कौन से डेरिवेटिव है, पार्शियल डेरिवेटिव है। क्या है बच्चों? पार्शियल डेरिवेटिव। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस पार्शियल डेरिवेटिव को टोटल डेरिवेटिव में कन्वर्ट करती हूँ। क्या करती हूँ? पार्शियल को टोटल में, यानी जहां डेल वहां डीपी हो जाए। क्या हो गया? वन अपॉन रो, यहां डेल पी था, यहां हो जाएगा डीपी बाई डीएस प्लस डी डी जेड बाई डीएस प्लस वी डीवी बाई डीएस इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। अभी मैं क्या कर सकती हूँ, सारे में क्या कर सकती हूँ, मैं डीएस को निकालू कॉमन और जीरो से मल्टीप्लाई यानी जीरो, यानी सारे में से मैंने डीएस कॉमन निकाला, यानी क्या हो जाएगा, डीपी बाय रो प्लस जी डी जेड प्लस क्या हो जाएगा, जी डी जेड प्लस वी डी वी इक्वल टू जीरो। यही है आपका ऑयलर्स इक्वेशन, यही है आपका ऑयलर्स इक्वेशन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूले।